أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيقفيكهم الله والله سميع عليم. وقال الله تعالى في موزينا قر: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أخدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. मजैन्ना बजीनत लीमान वज लना इल्ला मा न कलाम तना का हकीम तमाम किस्म की तारीफात तस्बीहात तहलीलात तहलीलत तकबीरात अल्लाह वहदुलाशरी के लिए लायक व जेबा है जो मेरा और आपका हमसे पहले और हमारे बाद आने वालों का खालिक है मालिक है राजिक है, राजिक है रजाक है गफ़ूर है गफ़्ार है رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے علیم ہے عظیم ہے اللہ احد ہے اللہ الصمد ہے لم یلد ولم يؤلد ہے ولم یکن له کفوا احد ہے وہ اللہ وہی ہے جو هو الرزاق ذوالقوت المتین ہے یہ اللہ وہی ہے جو مالک یوم الدین ہے یہ وہی پروردگار عالم ہے جو ان اللہ عليم بذات الصدور ہے مالک یوم الدین ہے وہ اعلی کل شیء قدیر ہے गर्ज इसकी तारीफ इसकी तस्बी इसके फजल इसके करम इसके इनाम तो एहसानात अगर हम रात दिन गिनते बैठे जिंदगी भर सर सजदे में रखकर शुक्रिया अदा करना चाहें उस अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें ना शुक्रिया का हक अदा कर सकते हैं ना उसकी नेमतों को शुमार कर सकते हैं वह इन तो नमत अल्लाह तहसूहा अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते इतनी ज्यादा उसकी नेमतें हमारे ऊपर साया फगन है अल्लाह तबार व इन अजीम एहसानात में हमारे नबी का मबूस किया जाना भी एक बहुत बड़ा अजीम एहसान है सारे नबियों और रसूलों पर अल्लाह की अनगिनत सलाम और दरुद नाजिल हो ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहम्मीम इब्राहिम मजीद अल्लाह मबारिका मोहम्मद वाली मोहम्मद इब्राहिम तब्राहीम वालब्राहिमीद मजीद मुख्तसर सी हमदो सलाद के बाद आज बाईस जनवरी दो हज़ार इक्कीस बरोज़ जुमा मस्जिद गौंडा अहले हदीस कर्नूल में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई जिला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने मन हज अहल हदीस और हमारे बद इस इसवान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई कर रहा हूँ कबल इसके कि मैं अपने उनवान की तोज़ी बयान करूं जो लोग दूर दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है ज़रा करीब करीब हट कर बैठ जाए ताकि पीछे आने वालों को जगह मयसर हो और जो लोग मस्जिद बैठ पढ़े बिना बैठे हैं उनको बैठने का हक़ नहीं है वो उठे और दो रखा तहियतलमस्जिद पढ़ कर बैठ जरा आ गया भाई दोबारा बोलना आ गया जाओ और यहाँ जो ख़वात बैठी हैं उनसे गुजारिश है ज़रा पीछे हट जाएँ आपको यहाँ बैठ देखने की इजाज़त नहीं है ज़रा पीछे चले जाएं मुझे पता नहीं ये बच्चियां हैं या बड़े हैं जो भी हैं यहाँ इनको बैठने की इजाज़त नहीं है ज़रा पीछे चले जाएं बर मेहरबानी औरतें अपने बच्चों को अपने करीब रखें मेरे दीन और इस्लामी भाइयोंनवान आपके सामने वाज है मन अहले अहल हदीस और हमारा बदआमाल बद से मुराद बुरे आमाल हम दावा तो करते हैं अहले हदीस होने का लेकिन बहुत सारी खामियां, खराबियां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी हैं जाहिर सी बात है मैं उन्हीं खामियों और उन्हीं कोताहियों और उन गलतियों की जानिब निशानदेही करना चाहूँगा जो हम अहले हदीस होकर कर रहे हैं अब जो गलतियां मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है किसी को कड़वी लगेंगी किसी को चोट पहुंचेगा मैं इस बात की रत्ती बराबर केयर नहीं करता कि किसे बुरा लगता है किसे चोट पहुंचती है अलहक को मुर्र हक हमेशा कड़वा होता है और मैं कड़वी बातें बड़े डंके की चोट में बोलता हूं कुरान और हदीस के दलाइल से भले वो किसे बुरी लगे भले वो किसे चोट लगे हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर होने वाली गलतियों की असलाह करे क्योंकि ये मैं नहीं कहता अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार आलम का ऐलान है सुर आराफ आयत नंबर थर्टी फाइव سوري اعراف کی 35ویں ایت میں اللہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون فمن اتقى جو تم میں اختيار تقوی اختیار کرے گا و اصلح اور اپنے اصلاح کرے अपने गलतियों की इसलाह करते हुए मुत्तकी बन जाएगा फलामून इनको ना कोई डर होगा ना इनको कोई खौफ होगा दुनिया में भी कोई डरने की जरूरत नहीं आखिरत में भी इनको डरने की जरूरत नहीं अल्लाह कहता है दुनिया में भी सुकून आखिरत में भी सुकून कब जब तुम अपने अंदर की गलतियों की इसलाह करके मुत्तकी बनोगे तब दूसरी आयत अल्लाह सुरानी नाइन नंबर आयत एक सौ आयत में अल्लाह ताला कहता है तुमको तुम डरने की जरूरत नहीं तुमको गम करने की जरूरत नहीं तुम ही सरबुलंद रहोगे तुम ही कामयाब रहोगे अगर दुनिया और आख अगर दुनिया में तुम पक के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो ये लफ्ज इन जो है ना इस आयत के अंदर ये शर्तिया वाला इन है शर्तिया किसे कहते हैं अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको अहदिया दूंगा अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमको मजदूरी दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ये अगर अगर जो जुमला है ये शर्त वाला आपको किसी ने काम पर रख लिया तुम जाकर मेहनत करोगे तब वो आपको मजदूरी देगा आप कहोगे बगैर मेहनत के मुझे मजदूरी दो कैसे देगा मेहनत करना शर्त है तब आपको मजदूरी मिलेगी अल्लाह कहता है वला वला डरने की जरूरत नहीं गम करने की जरूरत नहीं कब इन अगर तुम मुबमिन इनकुन तुम मुबमिन अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो तब तुमको डरने की जरूरत नहीं गम करने की जरूरत नहीं अब देखना यह है क्या हम मोमिन हैं? क्या हम पक्के मोमिन हैं? हम पक्के तो क्या कच्चे मोमिन भी नहीं हैं? कच्चे मोमिन भी नहीं हैं। मैं बताऊंगा दलाइल हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन कौन होता है मोमिन जो दिखने में मोमिन नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मोमिन हो वो मोमिन होता है जो नमाजों का पाबंदी करने वाला हो वो मोमिन होता है जो जबान का सच्चा हो वो मोमिन होता है जो अमानत का पक्का हो वो मोमिन होता है जो वादे की पासदारी निभाए वो मोमिन होता हो जिसके निगाहें बदनिगाही ना करते हुए गुनाह को ना देखते हुए शर्म हया से अपनी निगाहों को नीचे कर ले वो मोमिन होता है अपने हाथ अपने पैर से किसी को ऐसा तकलीफ ना दे वो मोमिन होता है अपनी शर्मदा को जायज़ और हलाल इस्तेमाल करे वो मोमिन होता है अब आप देखिए झांक कर अपने अंदर क्या आप मोमिन हैं क्या आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी है क्या आपकी जबान सच्चाई पर कायम है क्या आप जो वादा करते हैं उसे बराबर निभाते हैं क्या आपकी अमानत दारी बराबर चल रही है क्या आपकी जिंदगी में वक्त वक्त पर नमाज की पाबंदी चल रही है क्या आपके पेट में हलाल रकमा जा रहा है क्या आपके अड़ोस पड़ोसों के साथ आपके बीवी बच्चे रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा सलूक है अगर है तो माशा अल्लाह माशा अल्लाह, आप मोमिन हैं आप मोमिन हैं अगर नहीं है तो आप अपने आप को मोमिनों के दायरे में मत तलाशो मुनाफिक है एक नंबर क्या आप।, आप मुनाफिक तो क्या मुनाफिक से भी गए गुजरा वो काफिर काफिर जैसे हैं क्योंकि नबी ने फरमाया मन मुताम्मिदन फकद कफर। जिसने कर नमाज छोड़ा उसने कुफुर का किया अब हमें कैसे मुसलमान वक्त मिले पढ़ती नहीं मिले छोड़ डालती वक्त मैसर पढ़ेंगे नहीं मैसर छोड़ देंगे अपनी सहूलत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले जबकि नबी ने फरमाया अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो अमल है जो नमाज को उसके वक्त पर अदा करे हम दुकान में बैठे रहते हैं दुनिया को तरजीह देते हैं कस्टमर को तरजीह देते हैं माल कमाने को तरजीह देते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए तब कहते हुए तरजीह देकर नमाज को हम जाते नहीं हम कहल ये मनहज अहले ये हदीस है क्या इसे अहले हदीस कहते हैं देखो सहाबा का मनहज वो था अहले हदीस का मनहज सहाबा का मनहज नबी और सहाबा का मनहज अहले हदीस का मनहज किताब सुन्नत का मनहज जब हया सला की आवाज हया अल की आवाज बगैर माइक के बगैर स्पीकर के बगैर किसी लोड स्पीकर के उनके कानों में आवाज पहुंचती अपने दुकानों को छोड़ देते अपने मकानों को छोड़ देते मस्जिदों में सफे अवल के साथ इकामत के साथ नबी के साथ नमाज अदा करते जैसे आज हमारी जुमा में भीड़ जमती है ना फजर की नमाज में सहाबा की ऐसी भीड़ जमा करती थी फजर की नमाज में फजर में मुकम्मल या नमाजी गायब हो जाते हैं मैं पूछता हूं कहां जाते हैं क्या आसमान इनको निगल लेता है या जमीन इनको चबा लेती है कहां जाती है ये पब्लिक सिर्फ जुमा में नजर आती है आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा फर्ज किया है क्या हफ्ते में एक नमाज फर्ज किया है आप अल्लाह की नेमतें दिन में तीन मरतबा खाते हो जुमा में एक मरतबा खाओ फिर अगले जुमा तक भूखे रहो क्या तुम जिंदा रह पाओगे अल्लाह की नियमतें रोजाना तीन तीन मरतबा खाते हो अल्लाह की कहे वो अहले हदीस ना कहे वो, वो बेनवाजी और बेनवाजी को हमारे नबी का फिर कहते हैं हमारे नबी ने कु है हमारे नबी अपनी तरफ से नहीं कहते जाने से कहते हैं आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो नमाजों को छोड़कर अपने आप को हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ के अपने आप को मनहज अलहदीस का साबित करे मेरे दीन और इस्लामी भाइयों हमारे बदामाल इतने घटिया किस्म के जिसकी वजह से हजार किस्म की मुसीबतें आज हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं हर किस्म की मुसीबतें हमारे ऊपर साया फगन की तरह टूट पड़ी हैं हमारे हाथों की करतूतें सुरे शोरा आयत नंबर तीस अल्लाह कहता है कोई मुसीबत हम आसमान से नहीं उतारते कोई मुसीबत हम अपनी जानिब से नहीं देते बल्कि इंसान अपने हाथों से मुसीबत कमा लेता है चोरी किया पकड़ा गया जेल में गया जिला किया पकड़ा गया जूतियों के मार खाया

हमारी जबान सच्चाई पर कायम नहीं है नबी से पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है नहीं हो सकता क्या मोमिन बुजदिल बकील हो सकता है यहां हो सकता है लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता आयतुल मुनाफी सलास मुनाफिक की तीन निशानियां वो फिर रिवायत अरबा बाज रिवायत में चार निशानियां बात करे तो झूठ अमानत रखे तो खयानत वादा करे तो खिलाफी झगड़ा करे तो गाली क्या यह तमाम बुराइयां हमारे अंदर है नहीं है गाली झगड़ा करते ही अम्मा बाबा की गाली मां बहनों की गाली और तुम समझते हो अपने आप को अहले हदीस या अहले हदीस का मनहज नहीं है जबान को बेतुकी तरीके से गाली गलोच करना बीवी को गाली गलोच ना सिर्फ बीवी को पूरा उसका खानदान गिनना शुरू कर दाते तेरे बाबा ऐसे तेरी अम्मा ऐसी अल्लाह अकबर बेचारी से गलती हुई नजरअंदाज करो माफ करो नबी ने कहा वो अल्लाह की अमानत है जिसे तुम निकाह करके अपने घर ले जाते हो खाने में नमक ज्यादा हुआ अब उस बात पर झगड़ा शुरू उसके अम्मा को गिनना उसके भाना को गिनना ये क्या तुम्हारा अम्मा से अब झगड़ा करना ये अहले हदीस का मनहज नहीं है गाली गलोज करना झूठ बकने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता वादा खिलाफी करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता और हम में बहुत सारे अहले हदीस ऐसे हैं जो अपने पेट में हलाल हलामा नहीं उतारते फिर भी अहले हदीस होने का दावा करते ये कैसे अहले हदीस जी कौन से अहले हदीस जी मैं पूछना चाहता हूं अहले हदीस किसे कहते हैं हम दावा करते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले साहबा के नक्शे कदम पर चलने वाले वो कौन सा नक्शे कदम मुझे बताओ मुझे बताओ जो आज हदीस होकर भी सूद खा रहे हैं सूद को अपने ऊपर हलाल कर लिए सूद क्या है हराम है हराम बहुत बड़ा गुना है सूद के सत्तर दर्जे उसमें का सबसे दर्जा, एक रुपिया सूद का सबसे दर्जा सूद खाना तुम्हारी जनी हुई माँ के साथ छत्तीस मरतबा जिना करने के बराबर का गुना सही हदीस है अब एक रुपया खाना छत्तीस बार तुम्हारी मां के साथ सोने के बराबर का गुना हजारों रुपये निकल रहे लाखों रुपये निकल रहे क्या तुम तस्वर कर सकते हो तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते तुम सोच भी नहीं सकते इतना अजीम इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने हमारे सामने रखी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए यह सुनकर भी इंसान सूद में मुलिस है और कहता है कि मैं अहदीस ये अहल हदीस का मनहज नहीं है ये हमारे बदामाल हैं मैं बताना चाहूंगा कैसे आज सूद में मुलिस हैं बहुत सारे हमे के लोग लाइफ इंश्योरेंस कराए बैठे हैं और वह समझते हैं कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट करके मरूंगा मेरे मरने के बाद एक बड़ी अमाउंट आएगी मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को मैं छोड़ आराम से वो पलेंगे इतने लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा दूंगा अरे बेवकूफ तेरे जैसा तुझे पालने वाला खालिक हमारा राजिक और है गफ्फार है वो अल्लाह जैसा तेरा रजिक है तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का राजिक भी वही परवर दिगार है तो लाइफ इंश्योरेंस के अमाउंट छोड़कर मरेगा तेरी बीवी बच्चों के लिए सहारा तो बनाएगा अरे अल्लाह ताला है तेरी बीवी बच्चों को पालने वाला अगर छोड़कर जाना चाहता हलाल पूंजी छोड़कर जा हराम पूंजी क्यों छोड़कर जाएगा ये तेरे लिए जेब नहीं अहले हदीस नहीं हो सकता लाइफ इंश्योरेंस कराना इतना ही नहीं और भी देखिए आगे हम गाड़ियां आज खरीदते हैं किस पर खिस्तों पर कैश अमाउंट लोगे दस लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी चौदह लाख में मिलेगी चलो वही सहूलत तो मिलेगी ना महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे आपको क्या मालूम वो सूद है सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अले हमें नबी के कदम वो चलने वाले साहबा वो कौन से साहबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले होने का दावा करते हो कौन से साहबा ऐसे चले थे बताओ में के अक्सर लोग में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना घर को लीज पर रखना उधर पैसों को सूद नहीं इधर घर को किराया नहीं छह लाख रुपए में तीन साल के लिए लिखा लिए क्या भी नहीं साहब दस, दस हजार का घर हमें बरा इनाम दो हजार रुपए पूरा नहीं देते जैसा नहीं अच्छी बात दो हजार दे रही आठ हजार आपके पैसों का सूद ही ना जो आप घर में रह रहे हो वो आठ हजार आपके पैसों का सूद है ना आप क्या समझते हो जो मकान गिरवी में रहन में लीज में अड़ूर में पता नहीं एक एक जगह एक, एक एक नाम उसको दिए हैं और कहते हैं वो मोली साहब हलाल बोलती ना ये मोली साहब उसे जायज बोलती ना शराब शराब को उसे मैंगो फ्रूट का लेबल लगा लो उसे एप्पल फ्रूट का लेबल लगा लो उसे आ, क्या है ऑरेंज जूस का लेबल लगा लो शराब शराब है हराम हराम है खयामत की सुबह तक हराम है हराम को दुनिया का कोई दारुल उलूम का फतवा किसी मुफ्ती का फतवा किसी का सिक्का किसी की सिग्नेचर उसे हलाल नहीं कर सकते याद रखो कोई पेट पालू आलिम कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल हलाल को हराम में हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया खयामत की सुबह तक वो हराम है उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता और रब जिसे हलाल कर दिया खयामत की सुबह तक वो हलाल है कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता नहीं वो मोली साहबा बोले जायज कर उन्होंने जहन्नम में पहले जाती उनके पीछे तुम जाओ हराम है याद रखो हराम है जायज नहीं है उस मकान में तुम्हारी मां नमाज पढ़ती है तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ती तुम क्या समझते हो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं अल्लाह की कसम उस हराम मकान में तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी कोई नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी हराम का मकान लेके अल्लाह की इबादत अल्लाह अकबर सौ चूहे खा के बिल्ली को चली हराम के मकान में रहकर इंसान इबादतें घर रहन में रखना यह भी सूद है याद रखना यह जायज नहीं है और हमें अक्सर लोग सूद की दुनिया में मुलविस हुए अपने औरतों को गली गली में संगा के नाम पर खर्जा लेने की आदत बना लिए संगा हमारे कर्नाटक में उसको संगा कहते हैं पता नहीं यहां आंध्रा में उसे क्या कहते हैं गली गली में औरतों की एक जंक्शन चालीस हजार पचास हजार अमाउंट अब हफ्ता हफ्ता सूद के साथ भले जाना ये क्या है ये क्या है सूद है जी ये सूद है हराम है ये तुम क्या समझते हो इसे हलाल समझते हो इसे जायज समझते हो हराम लुकमा खाकर अपनी टेंशनों को दूर करना चाहोगे अल्लाह दूर करेगा अल्लाह कहता है तीन लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता एक बाप की दुआ बेटे के हक में जब वो दुआ करे अल्लाह रद्द नहीं करता दूसरा रात के तिहाई में मांगने वाले की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता और तीसरा मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता लेकिन एक वो आदमी जो हराम खाता है हराम पीता है और सफर की हालत में परेशान होकर हाथ उठाए अल्लाह से दुआ करता है ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब ये जुमला इतना प्यारा है इसमें अल्लाह की मोहब्बत है ऐ मेरे रब वो मुखातब करता है ऐ मेरे रब मैं परेशान हूं मुसाफिर हूं मदद कर अल्लाह कहता है मैं मुसाफिरों को कभी रद्द नहीं करता लेकिन अ मेरे बंदे तेरा खाना हराम का तेरा पीना हराम का तेरा पहनना हराम का कहता है, हराम। हराम। मल हराम। दुआ सुन नहीं सकता कबूल नहीं कर सकता क्योंकि तेरा हराम का लुकमा हराम का खाना हराम का पीना क्या समझते हो यह अहले हदीस का मनहज नहीं है मेरे दीने और इस्लामी भाइयों अहले हदीस वो होता है जो भूखा मर जाए फाका कर ले, लेकिन हलाल हलालुमा खाए हराम की तुम्हारी बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे तुम्हारे लिए बेहतर है, याद रखना। हराम के ऊंचे ऊंचे महलों से हलाल की झोपड़ पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है याद रखना क्योंकि ये दुनिया हमारी असल ठिकाना हमारी असल जगह नहीं है आखिरत हमारी असल जगह है जब तक इस कायनात में तुम जिंदा हो हलाल लुकमा खाओ हलाल मकान में रहो अल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से चले जाओ ताकि आखिरत में अल्लाह तुम्हें अच्छा सा अच्छा मकान अच्छे से अच्छा जन्नत में इंतजाम तुम्हारे लिए कर सके इलेक्शनों का मौसम है आजकल हमारे कर्नाटक में मुंसिपालिटी ऑफिस के इलेक्शन चल रहे हैं ग्राम पंचायत मुंसिपाली पूरा सभी उसे कहते हैं यहां आंध्रा में है ही नहीं पता नहीं इलेक्शनों का जैसे ही सीजन आता है अच्छे अच्छे अल्लाह वलियों के बड़े बड़े झुब्बे खुब्बे पहनने वालों का ईमान भी शेरवा उतर जाता है इलेक्शन का सीजन जैसे ही आता है क्योंकि इलेक्शन के मौसम में अब कांग्रेस वाला कहता है भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हूं मुझे वोट डालना पांच सौ रुपए एक वोट के मैं दूंगा अब बीजेपी वाला कहता है एक हजार एक वोट के बदले दूंगा मुझे वोट देना यह बेखिरत क्या करता है झूठा ये यह ये मक्कार यह धोखेबाज क्या करता है अपने आप को अहले हदीस बोलने वाला अपने आप की बड़ी दाढ़ी कुब्बे पहन के सफे अवल में नमाजें पढ़ने हमें तुम ना वोट दाल तिलाओ हमारे घर में छे वोट तीन हजार रुपए तुम्हें दो छे हजार रुपए तुम्हें दे कांग्रेस वाले तीन हजार बीजेपी वाले छह हजार मंग था झूठा कहेंका मक्कार धोखेबाज वोट किसे डालता भाई क्या दो जने को डालता आधा आधा करके टुकड़े टुकड़े कर डालता एक कले को उसने डालेंगा एक कले को वोट डालता एक कले को खड्डे में डालता लेकिन इन्हें क्या किया इन्हें क्या किया अल्लाह अकबर कभी सोचा रिश्वत लिया रिश्वत हराम का पैसा रिश्वत लिया इसने मैं पूछना चाहता हूं मेरे अहले हदीस भाइयों से मेरे गैरत रखने वाले ईमानदार अहले हदीस नौजवानों से क्या तुम्हारा ईमान इतना मर गया कि तुम आज रिश्वत खाने पर मजबूर हो गए एक को धोखा देने पर मजबूर हो गए मेरे भाइयों याद रखो अल्लाह के नबी ने फरमाया वल वलमशी किला फिनार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला ये दोनों के दोनों जाएंगे जहन्नम में जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हो रिश्वत तुम ले रहे हो मैं पूछना चाहता हूं कितनी देर रहेगी जी तुम्हारे 500 की नोट है तुम्हारे जेब में कितनी देर रहेगी वो हजार रुपए जो बीजेपी वाला रिश्वत दिया था कितनी देर रहेगी तुम्हारे जेब में एक घंटा एक दिन एक हफ्ता एक महीना एक साल कितनी देर रहेगी जाएगी ना कहीं भी याद रखो वो एक हजार की एक रुपये की या एक पांच सौ रुपये की एक नोट तुम्हारे एक लाख रुपये की खैर बरकतों को सत्यानाश कर देगी याद रखो हराम की एक नोट तुम्हारी जिंदगी की जमा पूंजी कमाई की जिंदगी की बरकतों को सत्यानाश बर्बाद करके रख देगी तुम हराम लेते हो रिश्वत लेते हो अरे तुम्हारी जमीर का तुम सौदा कर रहे हो क्या तुम्हारी जमीन मर गई तुम्हारी जमीर अंदर से आवाज नहीं देती अरे अल्लाह के बंदे कैसा खा रहा ना तू कैसा धोखा दे रहा ना उसे अल्लाह के नबी कहते मन फलई सा मन्ना जो धोखा देगा वो हम में से जमा नहीं धोखा देने वाला उम्मत ए मोहम्मदिया में से हैच नहीं अहले हदीस में तो क्या उम्मत ए मोहम्मदिया से खारिज होने धोखेबाज अहले हदीस नहीं हो सकता अहले हदीस किसे कहते हैं अल्लाह कुरान में कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 137 137 अल्लाह का इरशाद औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर तुम वैसे ईमान लाओगे जैसे साहबा ने ईमान लाया तो तुम हिदायत पे रहोगे वरना गुमराह हो जाओगे वैसे ईमान लाओ जैसे साहबा ने ईमान लाया मतलब क्या हम अल्लाह को एक मानते नबी की सुन्नतों को तस्लीम करते हम अहल हदीस हैं हम कुरान और हदीस को मानने वाले हम कोई बिदात नहीं करते कोई शुरु नहीं खाली इतना बोले तो अल्ला जन्नत दे डालता क्या नहीं वैसे ईमान लाओ जैसे साहबा ने ईमान लाया मतलब क्या जैसे वो नमाजें पढ़े वैसे हमें पढ़ना जैसे वो तिजारत करे वैसे हमें करना जैसे वो हलाल का खाए वैसे हमें खाना जैसे वो रिश्वत से सूद से हराम से बचे वैसे हम बचना तब जाकर उनके जैसे हिदायत याफ्ता हम हो सकते हैं वरना टाइटल अहले हदीस का लगा लेकर सारे हराम कारियां कर ले बैठे वो मनहज अहले हदीस नहीं हो सकता वो जहन्नम में जाएगा मेरे दीन और इस्लामी भाइयों आज भी इलेक्शन होते रिश्वत पर इलेक्शन पैसे खलाने पर इलेक्शन रातों रात कमेटी तैयार हो जाती किसी जमात को पता तक नहीं चलता रातों रात कमेटी का सिलेक्शन हो जाता है अमीर उनो सेक्रेटरी उनो, 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 इनो खासिन इनो मेंबर इनो। क्या हुआ भाई कब हुआ इलेक्शन अरे पता नहीं वो रात में कब की चुनके घर में हो गया ये नहीं जमात के सामने होना जमात के राय मशवरे से होना जमात जिस मुखी आदमी को चुनेगी वो अमीर कहलाएगा वो खाजिन कहलाएगा, वो मुतवली कहलाएगा, और वही क्या है मेंबर कहलाएगा, मिली भगत जुगत, अपने अंदरूनी तौर पर चुने हुए आदमियों को नहीं कहते नबी के जमाने में जो इलेक्शन होते थे जो अमीर उलमिन को चुना जाता था सारी जमात मिलकर चुनते थे आज भी आपको अमीर मुंतखब करना है अपनी मस्जिद का हो अपने जमात का हो शहरी जमात का हो या अपने इलाकाई मस्जिद का हो पूरी महफिल के दरमियान जमात के दरमियान बैठकर चुना जाएगा यही अल्लाह तबरक का बनाया कानून है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों इससे हटकर और मनहज अहदीस की खामियाँ क्या है हम अपने आप को अहदीस बोलने वाले बर्थडे मनाते हैं बहुत सारे हैं मैं उनसे नहीं कह रहा जो बर्थडे नहीं मनाते सिर्फ उनसे कह रहा हूं जो बर्थडे मनाते हैं बर्थडे मनाते हैं शादी का बुड्ढे हो गए पूरे दातान झड़ गए क्या आज का डेट हमना अच्छा याद है आज शादी का सालगिरह हमारा नए कपड़े पहनना जरा बिस्तर सजाना जरा क्या तो भी करना और आज बर्थडे मेरे बच्चे का क्या करना बेकरी से केक लाना बाट को खाना मैं पूछता तो, हूं

अल्लाह भी तुम ना खयामत के दिन जस्ट यहूदियों के सफ में खड़ा करता जहन्नम में जाने के वास्ते जस्ट यहां खड़ो उन अचकान जाती हूं वहां चले जाओ बोलता क्या तुम्हें जाती यहूदियों का सेवा जी नसरानियों का सेवा जी बर्थडे मनाना एनिवर्सरी डे मनाना हम अहले हदीस होकर करती अहले हदीस का मनहज नहीं है ये अहले हदीस का मनहज नहीं है हमारे अहले हदीस के लोग डर मरती किसमें घर खरीदना का तो डर दुकान खरीदना का डर दुकान खोलना का डर मरती कौन अपने आप को बोलने वाले अहले अहले हदीसा हदीसा बड़े कई को भाई वो घर में नहीं लेता वो घर का रुख क्या है इधर उत्तर के जानिब है उधर पश्चिम की जानिब वास्तु में वो हमना हो को नहीं आता दरवाजा इधर ही रखना खिड़की उधर ही जाना चूल्हा एक कोने में छोना बेडरूम ये कोने में छोना नहीं तो हमना हो को नहीं आता वो क्या होता जी तुम ना हो को नहीं आता बोले क्या आसमान से बिजली गिरती या जमीन से कोसो तभी तो आग का लावा उगलता वास्तु देखने वाला अहले हदीस अल्लाह अकबर दुकान मंगल के दिन नहीं खोलना वरना पूरी दौलत निंगल लग चले आती पूरी हाड़क चले आती अल्लाह अकबर कब खोलना जुम्मा के दिन खोलना सूर्य यासीन की रिकॉर्डिंग बसते बसते खोलना अल्लाह अकबर ये तमाम खराबियां इससे हटकर और पंद्रह बीस खराबियां हैं, शाह आज की मगरिब में मासूम मस्जिद में इसका सेकेंड पार्ट में बयान करूंगा तमाम लोग वहां आना सारे अहले हदीसों के अंदर जो हमारे अंदर है ना खामिया नोट कर करके उसी खामियों को दुखती रख पर हाथ रखकर बताऊंगा यह हमारे अंदर खामियां मेरा मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना किसी की इज्जत को उछालना नहीं है हमारे अंदर जो खामियां रहती हैं उसे दुरुस्त करना यह हमारा अव्वल फरीजा और यह हक पराई का यह फरीजा बनता है मुआशरे के अंदर जो बुराइयां होती हैं, उसके इस्लाह की जाए ऐसा नहीं कि मिठा मिठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की तरह हम यहां कोई भी अच्छे वाक्य बोले और निकल जाए हलाल हराम की तमीज कीजिए खासकर अल्लाह तबर व तआला से डरिए अल्लाह का तखवा इख्तियार कीजिए अल्लाह कहता है तखा, जो इख्तियार वह असल और अपने खामियों की असलाह करेगा फला हजनून उनको डरने की जरूरत नहीं गम करने की जब तक हमारा वोटिंग पावर बगैर रिश्वत के हम वोट डालते थे कोई शख्स हमको यहां से निकालने की मजाल नहीं करता था आज हमने अपना वोटिंग पावर अपनी नेशनलिटी पावर ये वोट रिश्वत खा खा कर डालना शुरू कर दिया अल्लाह एन आर सी सी ए की शक्ल में मुसीबत खड़ा कर दिया रिश्वत खा के वोट डालेगा हराम निंगल के वोट डालेगा धोखा देगा झूठ बोलेगा चल हम तेरी नेशनलिटी पावर तेरा वोटिंग पावर काट कर तुझे यहां से भगाने पर मजबूर करेंगे अल्लाह कहता है जहर अल फसादिल बर्री वल बहर बिमा अन्नास, खुशकी और तरी में जितनी फसाद होते हैं जितने फितने होते हैं वो तुम्हारे हाथों के करतूते होते हैं कहता है, इसका मजा तुम में से बास को अल्लाह चकाता है ला अल्ला तुम अल्लाह की जानब लौट सको ताकि तुम मुतकी बन सको ताकि तुम परहेजगार बन सको सूर अरूम आयत नंबर फोर्टी वन सूरू आयत में अल्लाह तहता है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं अगर आप दौड़ना चाहते हो निकलना चाहते हो अगर कुछ करना चाहते